गुड इवनिंग। चलिए शुरू किया जाए। तो जो भी प्रैक्टिस सेट में आप लोग को डाउट है उसका हम वीडियो बना के प्लेलिस्ट में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज जो हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए हेडिंग दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन सर, इसी को हम लोग बीटी भी बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम भी बोला जाता है, बीटी भी बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो अब हमको ये बताइए कि सबसे पहली बात सर है, ये जो हथियार है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलें या आपका बाइनोमियल थ्योरम बोलें, सर इसका यूज कब करेंगे, इस हथियार का यूज कब करेंगे? देखिए यूज कब करना है, यूज कब करना है, फिर देखेंगे यूज कैसे करना है। तो ध्यान ये देना है आपको कि कहीं भी अगर ऐसा पावर आपको दिखता है, जैसे इसके ऊपर में दो, इसके ऊपर में तीन, मान लेते हैं ऐसा दिखता है ए प्लस बी, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा क्यू, कभी कभी ऐसा भी दिखेगा फोर, कभी कभी ऐसा भी दिखेगा फाइव, कभी कभी ऐसा भी दिखेगा 51, और कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा 49 यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा मान लेते हैं कुछ जैसे 7 या 8 मान लेते हैं 8। यानी सर ये पावर अगर ऐसा दिया हुआ रहे या स्क्वायर रूट रहे, क्यूबिक रूट टाइप में रहे, तो समझ जाइएगा खासकर रूट में, स्क्वायर रूट हो क्यूबिक रूट हो, इसको फोर्थ रूट बोला जाता है, तो समझ जाइएगा बीटी लगने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, क्या समझिएगा आपको बीटी लगने वाला है, डब्बा प्लस ट्रायंगल, यहाँ भी कर देते हैं डब्बा प्लस ट्रायंगल अच्छा रहेगा, सब में लिख देते हैं डब्बा प्लस ट्रायंगल, और क्या लिख दें, चलो एक में लिखते हैं डब्बा माइनस ट्रायंगल, एक में और लिख देते हैं डब्बा माइनस ट्रायंगल, कुछ ऐसा इसमें भी भर देते हैं डब्बा प्लस ट्रायंगल। यानी सर कहीं भी अगर हमको, अरे 49 तक नहीं, यहाँ पे 20,000 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, लास्ट में लिख ही देते हैं एम डब्बा प्लस ट्रायंगल पे पावर एन। अब बोलिए कोई दिक्कत है तो, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा सर, पक्का है ये रूट टाइप का जब भी हमको दिखाई देगा समझ जाना है कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या बाइनोमियल थ्योरम लगने वाला है। फिर से बोलिए एक बार, कभी भी आपको स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट वाला फीलिंग आ जाए तो समझ जाइएगा बीटी लगने वाला है, बीटी बोलें या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलें, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, यूज कब करना है। अब देखिए बात को, सबसे बड़ी बात सर ये बताइए, यूज करने से पहले कंडीशन क्या होगा वो भी लिख देते हैं, यूज लिमिट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, करने से पहले कंडीशन चेक करें, कंडीशन चेक
करना है। अब यूज करने से पहले आपको कंडीशन चेक करना है सर। कंडीशन जैसे सेवन इन फॉर्म बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें भी कुछ कंडीशन बताए थे। तो बीटी का कंडीशन देखिए क्या है, ये डब्बा और प्लस ट्रायंगल, ये दो आदमी रहेगा, कितना टर्म रहेगा, दो रहेगा। ऊपर में कुछ बैठा रहेगा, मान लेते हैं एन बैठा हुआ है। अब डब्बा बोला कि देखो भैया, ये डब्बा बोला इस प्लेस पे वन होना चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अब एक बात और बताइए, यहां पे वन होना चाहिए, ये जो डब्बा आपको दिख रहा है यहां पे वन होना चाहिए, और नहीं है तब सर, मान लेते हैं यहां पे वन नहीं है, तब वन बनाएंगे। और इस जगह पे एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू पुट करने से जीरो मिलना चाहिए। हाँ ये फिक्स है, देखिए हम कंडीशन लिख दिए, इस यहां पे वन होना चाहिए, और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू बोले या लिमिट का वैल्यू बोले, एक्स का वैल्यू या लिमिट का वैल्यू क्या बोला गया, लिमिट का वैल्यू, ठीक हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ ये फिक्स है भैया, ये दो कंडीशन है तभी आप बीटी लगाएंगे, तभी आप बीटी लगाएंगे, ऐसे आप बीटी नहीं लगाएंगे। पहला कंडीशन यहां वन होना चाहिए, और लिमिट का वैल्यू पुट करने के बाद जीरो होना चाहिए, तभी बीटी लगेगा। आप ये बताइए, ये बताइए, मान के चलिए एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। देखिए बीटी एक ऐसा हथियार है लिमिट का कि सिर्फ आप बीटी पढ़ लेंगे ना, सिर्फ बीटी और कुछ नहीं, तो जेई मेंस का एक क्वेश्चन बन जाएगा। बीटी इतना बड़ा हथियार है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो बीटी से बन ही जाएगा। बीटी मतलब उसको बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं इसको, कि अचूक है ये, इसका यूज करने के बाद लिमिट का क्वेश्चन बन ही जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं फिर से क्या प्रॉब्लम है ये। रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी ही दूर हो जाएगा। एक्स टेंडिंग टू जीरो, हमको एक बात बताइएगा, मान के चलिए यहां पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको बताना है बीटी होगा कि नहीं, टू प्लस एक्स पे पावर सेवन, आप हमको बताइए कि क्या इसमें आप बीटी यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। वैसे तो सीधा हम एक्स का वैल्यू रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या इसमें बीटी यूज होगा, हाँ या बताइए, क्या इसमें बीटी यूज होगा, नो सर। अब जो है हम कसम खा चुके हैं, नहीं सर इसमें आपको बीटी यूज करना ही पड़ेगा,
अब कोई कसम खा लिया कि नहीं इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, बीटी यूज करना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा? बोलेगा सर ये दो जो है ना, ये दो, इस दो को आप, ये जो दो है ये दो को आप हटाइए, मतलब यहां पे वन बनाइए, और एक्स का वैल्यू जीरो पुट करने से यहां जीरो हो रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन तो है, अगर यहां पे वन बन जाए ना तो काम मेरा बन जाएगा। तो ये बताइए यहां पे वन कैसे बनेगा, थोड़ा सोचिए। अगर हम ब्रैकेट देते हैं और टू को कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, टू को अगर हम कॉमन ले लिए, अब बताइएगा हम सही हैं कि गलत, और पूरे के माथे पे सेवन, हाँ या ना? क्यों सर दो को आप कॉमन क्यों लिए? अरे जो भी बैठा है ना यहाँ पे उसको आप कॉमन ले लीजिए, तभी तो वन होगा। यहाँ जो भी बैठा हुआ है अगर उसको आप कॉमन लीजिएगा तभी तो यहाँ पे वन होगा। अब सोचिएगा, एक लाइन और आपसे हम पूछना चाहते हैं, उसके बाद एक लाइन और बताइएगा। अब ये दो जो है ये ब्रैकेट से बाहर निकलना चाहता है, फिर से बोले ये दो जो है इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या इसके माथे के ऊपर में सेवन आएगा, हाँ या ना? में जवाब दीजिएगा। अब वन प्लस एक्स बाई टू पे पावर सेवन, हाँ या ना? में जवाब दीजिए, बोलिए हाँ या ना में जवाब दिया जाए। क्या आप समझे? अच्छा कर क्या रहे हैं सर आप? हम कर ये रहे हैं कि चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें आप बीटी लगा सकते हैं, अभी हम सिखा रहे हैं आपको बस बीटी लगाने के लिए। इसमें अब आप बीटी यूज कर सकते हैं, इसमें आप यूज बीटी, यूज बीटी। चलिए क्या काम किए, अब इसमें आप बीटी लगा सकते हैं। अब बीटी लगता कैसे है ये हम अभी नहीं बताएं, स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा आप लोग। खासकर ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा है, एक और एग्जाम्पल आपके सामने है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो थ्री प्लस एक्स का अंडर रूट है, क्या इसमें आप बीटी लगा सकते हैं? देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट थ्री प्लस एक्स को क्या आप लिख सकते हैं, थ्री प्लस एक्स पे पावर वन बाई टू, हाँ या ना? स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं वन बाई टू, हाँ सर लिख सकते हैं। अब बीटी लगाने के लिए इस जगह पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे अगर आपको बीटी लगाना है तो ये बताइए ये जगह पे क्या होगा, ये जो जगह आपको दिख रहा है यहां पे क्या होना चाहिए? तो सर यहाँ पे हमको लगता है वन होना चाहिए, आपको भी लगता है यहाँ पे वन होना चाहिए, तो वन कैसे होगा? तो अगर हम तीन को कॉमन ले लें तो हमको लगता है वन प्लस एक्स बाई थ्री होगा और यहाँ पे वन बाई टू होगा, बोलिए। अब ये तीन जो है, ये तीन ब्रैकेट से बाहर निकलना चाह रहा है, ये तीन जो है ये वाला तीन, कलर में ये वाला तीन, ये तीन जो है वो ब्रैकेट से बाहर निकलना चाह रहा है, आप ही बताइए तो कैसे निकलेगा बाहर? ये तीन अगर इस ब्रैकेट से बाहर निकलना चाह रहा है, इस ब्रैकेट से, तो तीन जब बाहर निकलेगा सर रूट थ्री बन जाएगा, तीन जब बाहर निकलेगा तो रूट थ्री बन जाएगा और ये बन जाएगा वन प्लस एक्स बाई थ्री पे पावर वन बाई टू। हम कोई अभी लिमिट निकालने नहीं सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं
यूज ऑफ बी टी, यूज ऑफ बी टी यही सिखा रहे हैं, अभी कुछ नहीं सिखा रहे हैं, यूज ऑफ बी टी। अब अगला इसका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है इसमें किसमें सर, एक सेकेंड, इसमें जो है आप इसमें यूज बीटी, आप बीटी को यूज कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब आइए अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव ये है आपका कि सर आप ये बताइए, एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, वन प्लस एक्स पे पावर 4 है और एक्स टेंडिंग टू 2 है, बताइए। अब आपको यूज बी टी आप कैसे कीजिएगा, इसमें आपको बी टी यूज करना है, बोलिए। अरे भैया अभी हम बता रहे हैं, पहले रुक तो जाइए, पहले सीख तो लीजिए कंडीशन, हम सब बता रहे हैं। अब बोलिए क्या इसमें आप, हाँ सर 1 है, लिमिट का वैल्यू पुट करने से 0 नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा है, लिमिट का वैल्यू पुट करने से। अब क्या करें सर, तो अब यहां दिक्कत क्या है, देखिए यहां पे एक बात और आपको हम सिखा रहे हैं, क्योंकि लिमिट का वैल्यू यहां 2 है, ध्यान से देखिए लिमिट का वैल्यू 2 है, जैसे ही 2 यहां पुट करेंगे 0 तो होगा ही नहीं, क्या होगा कभी 0, कभी नहीं होगा सर। लिमिट क्या है यहां पे, एक्सटेंडिंग टू 2 है, ध्यान दीजिएगा यहां पे एक्सटेंडिंग टू 2 है। अब आपको काम क्या करना है, एक्स लिख दिए और यहां पे एक सेकेंड थोड़ा लिखावट में दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको सिखाना है तो हम कोशिश कर रहे हैं। सेटिंग्स ठीक किए थे लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है ही, एक सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए यहां पे कि x टेंडिंग टू 2 है, अब हम चाहते हैं ये टेंडिंग की जगह पे आप बराबर दे दीजिए, क्या दे दीजिए, इक्वल टू दे दिए, 2 का 2 लिखिए, लिख दिए और अपने मन से प्लस h कर दीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग सब्टीट्यूशन, नया चीज सिखा रहे हैं सब्टीट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, सब्टीट्यूशन। अच्छा सर ये बताइए ये सब्टीट्यूशन हम लोग क्यों करते हैं, अब देखिए हमको जरूरत है, ये जो लिमिट 2 है ना, हम चाहते हैं इसको 0 बनाना, इसका मतलब क्या हुआ कि x टेंडिंग टू 2 यानी x का वैल्यू लगभग 2 है, मतलब 2 है, तो बताइए h का वैल्यू क्या होगा,
तो h का वैल्यू जीरो होगा। अब आपको काम क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां पे आप 2 प्लस एच को रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन अब कैसे चेंज होगा, 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या रखिएगा, 2 प्लस एच पे पावर क्या 4, और लिमिट क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। मतलब सब्टीट्यूशन से फायदा क्या होता है, फिर से बोलिए, सब्टीट्यूशन से फायदा क्या होता है, लिमिट 0 बनता है, लिमिट टेंडिंग टू 0 बनता है। फिर से बोलिए, सब्टीट्यूशन से फायदा क्या हुआ, लिमिट 0 बन गया। अब देखिए 2 और 1 3, अब प्लस h पे पावर 4। तो जब भी आपको लिमिट को 0 बनाना हो सब्टीट्यूशन कीजिए। तरीका बता देते हैं, x का x टेंडिंग के जगह पे इक्वल टू 2 है, अब प्लस h। चलिए अब देखिए सर, एक को सही किया तो दूसरा बिगड़ गया, तो क्या आप यहां पे आपको 1 बनाना है, तो कैसे बनाइएगा, एक ही उपाय है ना सर, 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। 3 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हमको लगता है 1 प्लस एच बाय 3 पे 4। क्या आप लोग सहमत हैं, आज का क्लास बहुत मुश्किल वाला है, थोड़ा सा मुश्किल देगा ये। अब ये 3 जो है, ये 3 ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो हमको लगता है 3 पे पावर 4 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच बाय 3 पे पावर 4, और साथ में बताइए h टेंडिंग टू 0। अब बताइए क्या इसमें आप bt लगा सकते हैं, चलिए जल्दी से बोलिए, तो क्या इसमें आप bt लगा सकते हैं, हाँ या ना, बोलिएगा। मेरे समझ से यूज bt, यूज bt, आप bt का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट लिया जा, देखिए जो जो बात स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना सब नोट कर लीजिएगा, सब नोट करना है, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक बात को नोट कीजिएगा। अब एक नया चीज आप सीखे, सब्टीट्यूशन। सर सब्टीट्यूशन कब करेंगे, अरे जब आपको लिमिट को 0 बनाना हो आप सब्टीट्यूशन कर दीजिए, जब आपको लिमिट को 0 बनाना हो सब्टीट्यूशन कर दीजिए, अभी हम बता रहे हैं। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग, एक चीज और देखिए, सब्टीट्यूशन पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, सब्टीट्यूशन पे बात कर लेते हैं, क्या बात कर लें सर। अब ये बताइए x टेंडिंग टू a है तो इसमें सब्टीट्यूशन आपको करना है, तो क्या कीजिएगा जल्दी से बताइए सर। x बराबर हम लिखेंगे a प्लस एच, क्या सहमत हैं आप मेरी बात से, और बगल में लिखेंगे h टेंडिंग टू 0। बोलिए x बराबर a प्लस एच और h टेंडिंग टू 0। अच्छा सर इसमें बताइएगा सब्टीट्यूशन क्या कीजिएगा आप थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं x टेंडिंग टू माइनस 1 है, x टेंडिंग टू माइनस 1 है, नहीं नहीं फिर से एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस एच, और सब्टीट्यूशन हो जाएगा और h टेंडिंग टू 0 होगा। बोलिए, अच्छा सर इसमें बताइएगा, अगर मान के चलिए x टेंडिंग टू 1 बाई 2 है तो सब्टीट्यूशन क्या होगा, x बराबर 1 बाई 2 प्लस एच। बोलिए और बगल में क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0, मतलब x के जगह पे आपको 1 बाई 2 प्लस एच लिख देना है और h टेंडिंग टू हो गया सब्टीट्यूशन, यानी पूरा क्वेश्चन h में बदल जाएगा। अच्छा इसमें बताइएगा सब्टीट्यूशन क्या होगा, इसमें बताइएगा
थोड़ा अब आपको हम कष्ट दे रहे हैं, एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो क्या जवाब देंगे? एक्स बराबर 3 माइनस एच, और यहां पे क्या लिखिएगा? एच टेंडिंग टू 0। अच्छा सर, इसमें बताइएगा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस, थोड़ा बताइएगा क्या होगा? तो एक्स इक्वल टू 5 प्लस एच, और एच टेंडिंग टू 0। अच्छा फिर इसमें बताइएगा एक्स टेंडिंग टू बी माइनस, बताइए इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू बी प्लस एच, और एच टेंडिंग टू 0। स्क्रीनशॉट लिया जाए। यहां लिख देते हैं एच टेंडिंग टू 0। बी प्लस एच होगा, माइनस नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या होता है सर? तो लिमिट टेंडिंग टू 0 हो जाता है। लिमिट टेंडिंग टू क्या हो जाता है? 0। ये सब्स्टिट्यूशन पे, अरे बी माइनस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस है तो माइनस होगा, सही बात, माइनस है माइनस होगा, सॉरी हम ऊपर वाला देख लिए, बी माइनस है तो माइनस होगा। हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन ये दे रहे हैं, इसी पे सब्स्टिट्यूशन पे दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन पे दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन एक्स माइनस 1 और 2x माइनस 2। हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप, अरे इस क्वेश्चन को आप बनाने का बना दीजिएगा, लेकिन मेरी मन की इच्छा है कि सर इस क्वेश्चन को आप बनाइए, लेकिन पहले लिमिट को, पहले लिमिट को 0 बना के, मतलब मन की इच्छा है, काश ऐसा होता सर कि x टेंडिंग टू 1 ना होके 0 रहता। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए, अब फिर इस क्वेश्चन को बनाइए। कोई बात नहीं है सर, आपको जब मन है कि टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो बाएं हाथ का खेल है, काम क्या करेंगे? देखिए एक्स बराबर 1 प्लस एच, एक्स बराबर 1 प्लस एच, इतना लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे एच टेंडिंग टू 0। अब काम क्या करेंगे? पहले तो आप लिखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और दुनिया में जहां जहां एक्स है, दुनिया में जहां जहां एक्स है, हम फिर से एक बार बोल देते हैं, दुनिया में जहां जहां एक्स है उस जगह पे आप 1 प्लस एच दें। फिर से बोलिए, दुनिया में जहां जहां x है वहां पे क्या दे दें? 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच और माइनस 1, नीचे में 2, 1 प्लस एच और माइनस 2। अरे बनने का तो एक लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा मन चंचल है, मन बोला नहीं सर टेंडिंग टू 0 कीजिए ना, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर दिए। अब हमको लगता है कि ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा, और ये 2 और ये कट जाएगा, आपके पास जो बचने वाला है वो बचेगा, देखिए क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाय 2h। अब ये बताइए सर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच, और नीचे में 2 इंटू एच, ये जो है आपका ये वाला पार्ट,
साइन डब्बा बाय डब्बा, ये डब्बा सेम है, ध्यान से देखिए, ये डब्बा आपका सेम है, ये डब्बा और ये डब्बा सेम है, और h का वैल्यू पुट करने से यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप वन लिख सकते हैं, यानी आंसर हो गया आपका वन बाय टू आगुना वन बराबर वन बाय टू। हाँ, दो को दो ने काटा, उतना तो आप लोग समझदार हैं ही। तो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से बना दिया। फिर से बोलिए सब्स्टिट्यूशन का फायदा, एक बार बोलिए जल्दी से सब्स्टिट्यूशन का फायदा बताइए। सर, सब्स्टिट्यूशन का फायदा यह है कि वो लिमिट को टेंडिंग टू जीरो बनाता है, यही है आपका सब्स्टिट्यूशन का फायदा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं इतना होने के बाद किसकी, तो बीटी की। अब बात करते हैं बीटी की, ध्यान से देखिएगा, वन प्लस एक्स पे पावर एन बराबर होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू का एक्स स्क्वायर प्लस धुआं छोड़ता हुआ चला जाएगा। शायद ये हम बताए भी हैं आप लोग को, ये चीज आप लोग को हम बताए हैं याद करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, 90% क्वेश्चन में, लगभग 90% क्वेश्चन में यही दो टर्म से काम चल जाएगा आपका, यही दो टर्म से। अब 10% क्वेश्चन के लिए आपको तीन टर्म याद रखना होगा। बीटी क्या बोलता है, ये दोनों को आप गुना कर दें, बीटी क्या बोलता है, ये दोनों को आप गुना कर दें, आपका काम बन गया। इसी को हम आपको ऐसे बताना चाहते हैं, वन प्लस ट्रायंगल पे पावर एन, बताइए क्या होगा, खुद बताइए, वन प्लस, अच्छा यहां पे बराबर नहीं होगा, यहां अप्रोक्स एन ट्रायंगल प्लस धुआं छोड़ता हुआ चला जाएगा। अच्छा सर, मान लेते हैं ऐसा हुआ, तो वन माइनस एक्स पे पावर एन, तो आप क्या लिखिएगा, वन माइनस एन एक्स प्लस धुआं छोड़ता हुआ चला जाएगा। धुआं छोड़ता हुआ चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बस ये दोनों को गुना करना। अच्छा, लेकिन बीटी लगाने से पहले ये बताइए, बीटी का यूज करने से पहले कंडीशन ध्यान रखिएगा, क्या कंडीशन है बीटी लगाने से पहले, कि सर ये डब्बा है और ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे वन होना चाहिए और यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करने से जीरो होना चाहिए, तभी आप इसमें बीटी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। आपको बस ये दोनों याद रखना है, 10% केस में इसकी जरूरत पड़ेगी, बस ये दोनों को आपको गुना कर देना है। देखिए, अब एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, देखिए बीटी कितना खतरनाक है, बीटी से कैसे चुटकी में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बीटी से कहीं भी आपको रूट वाला चीज दिखाई दे, ये भी याद रखिएगा, कहीं भी ऐसा चीज दिखाई दे रूट वाला, समझ जाइएगा इसमें बीटी लगने वाला है। कहीं भी ऐसा रूट दिखाई दे, सब क्वेश्चन में बीटी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट 13 वन प्लस एक्स माइनस
अंडर रूट सेवन वन प्लस एक्स नीचे में है, एक सेकेंड, अरे तो बीटी मतलब बाइनोमियल थ्योरम ही होता है, नाम के पीछे आप जा रहे हैं, बीटी का मतलब बाइनोमियल थ्योरम, वन प्लस एक्स माइनस थ्री वन प्लस एक्स, बीटी का मतलब बाइनोमियल थ्योरम ही होता है। अब सबसे पहला काम क्या कीजिएगा बोलिए, सबसे पहला काम जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन आया, पहला काम बोलिए फॉर्म चेक करेंगे सर, क्या चेक करेंगे, तो फॉर्म चेक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म चेक कीजिएगा ये आपको मिलेगा जीरो बाय जीरो, मतलब इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। और एक खुशखबरी है, क्या आप अंडर रूट थर्टीन वन प्लस एक्स को क्या प्यार से आप ऐसा लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स पे पावर वन बाय थर्टीन, क्या इसको लिखने में दिक्कत है ये बताइए। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार और हम रिकैप करवा देते हैं, अंडर रूट ये डब्बा ये ए है और ये बी है, तो आप इसको लिख सकते हैं डब्बा ए बाय बी, ये अप में जाएगा और ये आपका डाउन में जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये बताइए, इसमें चार टर्म दिया हुआ है सर, कितना टर्म है, क्या क्या इसमें, पहले एक लाइन हम लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर आप बहुत स्पीड चलते हैं, एक लाइन हमको लिख लेने दीजिए आप। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स पे पावर वन बाय थर्टीन माइनस वन प्लस एक्स पे पावर वन बाय सेवन और नीचे में वन प्लस एक्स पे पावर वन बाय फाइव माइनस वन प्लस एक्स पे पावर वन बाय थ्री। बोलिए अब एक बात हमको ये बताइए, क्या इसमें आप बीटी लगा सकते हैं, इसमें आप बीटी लगा सकते हैं, इसमें आप बीटी लगा सकते हैं, इसमें बीटी लगा सकते हैं, बोलिए। बोलिए बोला जाए, हाँ सर, तो अगर इसमें आप बीटी लगाइएगा तो ये बताइए हो क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स बाय थ्री, बोलते जाइएगा कहीं गलत होगा तो, माइनस वन प्लस एक्स बाय सेवन, नीचे बताइएगा वन प्लस एक्स बाय फाइव माइनस वन प्लस एक्स बाय थ्री। बोलिए हमने बीटी लगा दिया, हमने बीटी लगा दिया, अब बताइए जैसे ही आप बीटी लगाए तो बीटी लगाने के बाद अब देखिए क्या होगा, बीटी लगाने के बाद कुछ काटा पीटी होगा, ये वाला वन कटेगा, ये वाला वन कटेगा, यहां से अगर आप एक्स कॉमन, ऊपर में क्या बच जाएगा, देखिए मेरे समझ से वन बाय थ्री माइनस वन बाय सेवन और नीचे में वन बाय फाइव माइनस वन बाय थ्री और यही आपका आंसर होगा जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो बोलिए ये क्वेश्चन देखने में कितना भयंकर था कि सर सेवन है रूट में क्या करेंगे, और इसका आंसर कितना आसानी से आ गया, तेरह होगा, कहाँ तेरह है भैया, हाँ यहाँ पे तेरह होगा, सही बात है तेरह होगा।
सॉल्व कर लीजिए और यही आपका आंसर होगा, 1/13 होगा, सही है। तो BT जो है वो लिमिट को आसान बनाता है। तो कल जो होगा, कल का क्लास जो होगा वो BT के क्वेश्चन पे होगा, BT का क्वेश्चन होगा। ओके, गुड नाइट। टफ था, BT आसान नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने में, नहीं रूट रूट वाला तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप BT से बना दीजिएगा। और इसी BT का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलन है, बस कंडीशन याद रखिएगा, 1 होना चाहिए और लिमिट का वैल्यू पुट करने से ट्रायंगल में 0 होना चाहिए। अगर कभी आपको लिमिट को 0 बनाना है तो सब्स्टिट्यूशन का सहारा ले लीजिए, बात खत्म। अनुभव कुमार, आप स्टार्टिंग से क्लास नहीं देख रहे हैं, आप जो है स्टार्टिंग से क्लास नहीं देख रहे हैं। हमने सबसे पहले यहां देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप स्टार्टिंग से क्लास नहीं कर रहे हैं, इसी कारण दिक्कत हो रहा है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ओके बाय बाय। पहला सेंटेंस ही हम लिखे हैं यहां पे, यूज कब करना है भैया, देख लीजिए इस तरह का दो बना, दो बी बाइनोमियल मतलब बाय मतलब दो टर्म, और जब भी आपको ये स्क्वायर रूट टाइप का दिखाई दे या ये पावर टाइप का दिखाई दे, दो टर्म रहे तो आप यूज कीजिए।